नमस्कार दोस्तों वेल्थ well, का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे समझने की कोशिश करेंगे आज मार्केट में नीचे से सपोर्ट लेके पुल बैक आया है तो क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर दोबारा से नीचे गिरावट दिखाएगा इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे करंट अगर आज की सिचुएशन देखी जाए तो उसके हिसाब से हमें क्या देखने को मिला था कि एक ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशंस था बट मैंने आपको कंटिन्यू ये एक ट्रेंडलाइन थी जिसके बारे में डिस्कस कर बता रहा था कि ये एक ट्रेंड लाइन है जिसपे ये सपोर्ट ले सकता है अब यहाँ पे देखा जाए तो अब ये ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है और यहाँ पे आपको ये जो ट्रायंगल बन रहा है छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको अब यहाँ पे चीज़ क्या होती है जैसे कि मैंने आज आ, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो हमारा डब्ल्यू एस ग्रोथ प्लान वाला जो ग्रुप मैंने बनाया था तो वहाँ पे मैंने आपको आज बोला था कि अगर किसी का मन कर रहा हो शॉर्ट पोजीशन बनाने का तो बना सकता है ठीक है रिस्क उतना ही लेना जितना संभाल सको क्योंकि जाहिर सी बात है कि मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा ये मुझे नहीं पता बट वो इंडिकेशन दे रहा था कि ब्रेकडाउन आ सकता है तो मैंने फोर्टी सेवन वन हंड्रेड की पी एंड इक्कीस हज़ार चार सौ की पी यहाँ पे रिकमेंड करी थी और सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे क्लियरली बोला था रिस्क उतना ही लेना जितना संभाल सको मतलब क्या होता है मतलब ये है कि आप मान लो अगर पाँच हज़ार के लॉस में आपको टेंशन होने लगती है तो आप पाँच हज़ार का ही लॉस लो ठीक है ना मतलब उतने ही पैसे लगाओ जितना आप संभाल सको अगर आप ये सोच रहे हो कि बीस के एक जैसे कि परसों के ट्रेडिंग सेशन में हुए थे और मैंने आपको दिखाए भी थे अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा हर दिन हो जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं होता ठीक है ना अगर बीस का एक सत्तर होना है तो कम से कम उसमें तीन बार ऐसा होगा कि वो बीस हजार जीरो ही हो जाएंगे ठीक है ना क्योंकि कब मार्केट गिरेगा कैसे गिरेगा ये किसी को नहीं पता होती सिर्फ हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आज हो सकता है गिर जाए क्योंकि इक्कीस हजार पाँच सौ के करीब क्लोज हुआ था इक्कीस हजार पाँच सौ के नीचे भी काम काज किया तो हो सकता था फॉलोअप में सेलिंग आ जाती बट नहीं आई एंड ऑफ द डे रिलायंस की मदद से निफ्टी ने दोबारा से इक्कीस हजार छः सौ को यहाँ पे के ऊपर जाके क्लोज दे दिया ठीक है थीके? अब बेसिकली क्या है? ये चैनल है इस चैनल का बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि नीचे के लेवल पे ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि जब भी ये इक्कीस पाँच सौ पचास के नीचे कामकाज करना स्टार्ट करे तो आप सेम पोजीशन जितना आपने आज लॉस लिया है उतने ही अमाउंट की पोजीशन आप क्रिएट कर लीजिएगा मींस अगर आपने आज दस हजार का लॉस किया है तो आप दस हजार की पोजीशन बना लेना क्योंकि यहाँ पे क्या है जब भी फॉल आएगा तो थोड़ा सा बड़ा ही आएगा मींस आपको एक अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट मिल सकता है रिस्क रिवार्ड रेशो अगर मैं बोलूँ तो दस के लाख रुपए बन सकते हैं तो वन रेशो टेन का रिस्क रिवार्ड रेशो मैं लेके चल रहा हूँ इस सिचुएशन में ठीक है ना तो हो सकता है कि दो बार और जीरो हो जाए लेकिन जब भी ब्रेकडाउन होगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है ठीक है इवन अगर मैं बात करूँ कि अगर ये इक्कीस या पाँच सौ के 500 नीचे अगर ये निकलना स्टार्ट करता है तो इसके पास कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है क्योंकि इक्कीस या दो सौ तक ये क्लियरली एक जर्नी तीन सौ पॉइंट की ये यहाँ पे ईजिली यहाँ पे कह सकते हैं फॉल दिखा सकता है इसीलिए मैं आपको यहाँ पे आज मैंने रिकमेंड किया था कल भी मेरा सेम व्यू रहेगा यहाँ पे कि अगर ये दोबारा से इक्कीस या पाँच सौ पचास के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मैं इसको सेल करूँगा ठीक है फिलहाल एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है अब ये क्या है आपको थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है क्योंकि अभी ये नीचे थी इसने एग्जैक्टली exactly इसी पे सपोर्ट लेके बाउंस किया फिर दोबारा इसी लेवल से लेके सपोर्ट लेके बाउंस किया यानी ऑलरेडी ये चार से पांच बार टेस्ट हो चुकी है तो कल अगर ये इक्कीस हजार पाँच सौ पचास के नीचे निफ्टी फिसलता है तो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर सेल करिएगा सेम पोजीशन के साथ ठीक है जो पोजिशन आपकी आज थी वो ये है अगर कल नहीं जाता परसों जाता है तब आप बनाइए यानी इक्कीस के नीचे आपको सेल करना है ठीक है अगर आप यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो तो 15 मिनट में क्या था 15 मिनट में इसने मैक्सिमम टाइम आपका इक्कीस हज़ार पाँच सौ के आसपास ही कामकाज किया था क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे इक्कीस हज़ार एक बार से नीचे जाने की कोशिश की क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसकी वजह से हो सकता है सेलिंग नहीं आए क्योंकि कल आपका सेकेंड हाफ में मार्केट गिरा था तो आज ज्यादातर रिटेल ट्रेडर ने एग्रेसिव पोजीशन बनाई होगी ये सोच के कि आज एक बड़ा फॉल आ सकता है बट आज नहीं आया तो आज उनको लॉस हो गया अब कल क्या होगा कल वो हो सकता है पोजीशन ना बनाए या फिर परसों पोजीशन ना बनाए तब फॉल आ जाए तो मार्केट में क्या है एक ही मेरा व्यू है सेलिंग का इक्कीस के, के नीचे अगर ये दोबारा जाएगा तो मैं इसको दोबारा सेल करूँगा जब तक इक्कीस के ऊपर है तब तक नहीं सेल करूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है ये लेवल टूटेगा तो इक्कीस के नीचे ही ट्रेड करेगा तभी टूटेगा ठीक है ये जो पूरा रिकवरी आई है ये पूरी डाइल्यूट होती हुँ, भी हुई भी दिखाई देगी ऊपर अगर आप ऊपर की तरफ सेल करना चाहते हो तो इक्कीस हज़ार छः सौ अस्सी छः सौ नब्बे का जो, जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस का जोन है क्योंकि अब ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आई है इसके आसपास ये रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से ये दोबारा से नीचे आ सकता है ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ठीक है बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी अपने लोअर हैंड पे ही कंसोलिडेशन कर गया है आज के दिन में अगर आप देखो तो इसने कोई ज़्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं किया अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सिर्फ रिलायंस का सबसे बड़ा रोल रहा बट बैंक निफ्टी में किसी का रोल नहीं रहा सिर्फ बैंक निफ्टी को होल्ड कराया गया ताकि ये नीचे की तरफ थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता रहे क्योंकि बात है लोअर तो कंसोलिडेशन करेगा तो बहुत इजीली आ सकेगा ये ध्यान में जरूर रखिएगा ठीक है तो इसके लिए सेम वही रूल है 47, 200 के नीचे ये ट्रेड नहीं किया के नीचे फिसलेगा तो हम इसको सेल करेंगे टारगेट मेरा बड़ा ही है 46850 का पहला टारगेट है जब भी ये 47200 के नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ से ये किस फ्लो में नीचे चला जाए तो कोई नहीं जानता है। और जितना लेट गिरेगा उतने टारगेट बड़े आपको देखने को मिल सकते हैं ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से मैंने आपको बताई दिया है कि इस ट्रेंड लाइन पर मतलब बेसिकली इस चैनल पर आप फोकस करो इस चैनल में क्योंकि कल भी अगर आप देखोगे तो सेम इसी चैनल के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और वहीं से इसने एक गिरावट दिखाई थी और अब ये रिकवरी आई है तो हो सकता है थोड़ा सा है, और ऊपर खुल जाए और फिर ये सेल ऑफ़ में कन्वर्ट हो सकता है फिलहाल थोड़ी सी वॉलिटिलिटी ज्यादा है तो एक एग्जैक्टली exactly नहीं बोल सकते कि कहाँ से ये रिवर्स होगा बट हाँ एक इक्कीस हज़ार सात सौ इक्कीस हज़ार सात सौ पच्चीस एक रेजिस्टेंस है तो इसके आसपास हम सेल करके ही काम करेंगे और इवन अगर ये इसके पास नहीं जाता है नीचे की तरफ मूव करना चाहता है इक्कीस हज़ार छः सौ के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो अभी हम इसका सेलिंग व्यू लेके चल सकते हैं यानी बाइंग का मेरा कोई व्यू नहीं है अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है सेल करने का तो बिल्कुल मत करो बट मेरा बाइंग का यहाँ पे कोई मोड बिल्कुल भी नहीं है आज मार्केट रिकवर हुआ कोई दिक्कत नहीं है छोटा मोटा लॉस हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता कल सेम पोजिशन फिर बनाएंगे इक्के से छः सौ के नीचे या इक्कीस हज़ार पाँच सौ पचास के नीचे अगर ट्रेड करता है क्योंकि दूर के ऑप्शन क्या होते हैं आपके हार्डली तीन चार रुपए पांच रुपए के ऑप्शन होते हैं अगर आप बढ़ा क्वांटिटी भी लेते हो तो चार पाँच हजार रुपए आपके लग रहे हैं अगर वो पांच का ऑप्शन सौ पहुंच गया तो आपका ऑलमोस्ट सारा लॉस एक ही बार में कवर हो जाएगा ये ध्यान में रखिएगा ठीक है तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ पाँ क्या होगा दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधी लेके आता रहूंगा हर दिन आपके नए नए वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों